कल शाम से सरकार की ओर से बेहद भ्रमित करने वाला और कोरा झूठ फैलाया जा रहा है। और हमेशा की तरह से मीडिया के बहुत सारे साथी जो सरकार के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार हैं, इसको खूब हवा दे रहे हैं और इसको चीख चीख कर टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं। बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी का कानून आ गया तो 11 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से असत्य है। और जब राहुल गांधी जी ने इसका ऐलान किया तो सोच समझ कर किया। समझिए कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है और ये झूठ क्यों है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केट है हमारा, वो इम्परफेक्ट है, वो एसिमेट्रिकल होता है। मार्केट के फोर्सेस में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, मार्केट में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप जरूरी होता है, और वही हस्तक्षेप एमएसपी करता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब कोई भी खरीद इसके नीचे नहीं हो सकती, इसके ऊपर ही होगी। पहली बात, सरकार पूरा पैदा किया हुआ अनाज तो खरीदती नहीं है, थोड़ा उसका अंश ही खरीदती है अपने बफर स्टॉक के लिए। लेकिन एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि बाजार का जो मूल्य है वो एमएसपी के ऊपर हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हो। इससे किसान की सुरक्षा होती है। अगर बहुत ज्यादा उपज हो गई और एकदम से दाम गिर गया तो एमएसपी यह सुरक्षित करता है कि बाजार के फोर्सेस उसको कम दाम पे खरीद कर स्टॉक ना कर ले और फिर बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा ना कमाए। सुनिश्चित करता है कि एमएसपी के चलते किसानों की सुरक्षा होती रहे। तो एमएसपी एक फ्लोर प्राइस सुनिश्चित करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि 2005 से 2011 के बीच में मनरेगा में जो राशि यूज होती थी, इस्तेमाल होती थी, उसमें भारी गिरावट आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनरेगा ने रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक फ्लोर प्राइस दिया मजदूरी का, और उसके बाद जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर था उसने अलग अलग तरीके के काम किए वहां पर, और उसमें ज्यादा मजदूरी मिली क्योंकि मनरेगा ने एक फ्लोर प्राइस, एक न्यूनतम प्राइस तय कर दिया था। तो एमएसपी इसी तरह से एक हस्तक्षेप का टूल है, हस्तक्षेप का कारण है, जिससे कि प्राइसेस में स्थिरता आ सके, जिससे कि किसान भारी नुकसान से अपनी फसल ना बेचे और उसका बहुत बड़ा नुकसान ना हो। तो असलियत यह है कि सरकार के इशारों पर व्हाट्सएप से पढ़ देना एक बात है, थोड़ी तो अपनी अकल भी लगाइए। सरकार तो एक अंशी खरीदती है, कहां से 11 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और है, जब 14.5 लाख करोड़ की ऋण माफी हो रही थी सूट बूट वालों की, तब चिंता नहीं जताई। जब 4.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स को 32% से घटा के 22% पे किया गया और राजकोष को घाटा हुआ, तब चिंता नहीं जताई। किसानों की बात पर सरकार के भ्रम और झूठ को फैलाने के बजाय थोड़ी सी विवेक और थोड़ी सी बुद्धि का खुद भी इस्तेमाल कीजिए।